हेलो प्रोग्रामर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके डे टू डे लाइफ में अनवांटेड टाइम कंजम्पशन को रिड्यूस करके आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए उन ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको इतना लंबा स्ट्रक्चर फॉलो करना हो एक फाइल तक पहुंचने के लिए तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए आप डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर में चले जाइए जहां पर वो डायरेक्टरी हो और उसके इस यूआरएल को क्लियर करके सीएमडी कमांड लिखकर एंटर कर दीजिए तो वो पाथ डायरेक्टली आपके कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अभी चलो मान लेते हैं कि इस वेबसाइट का सोर्स कोड आपको अपने फोन में देखना है। अब पीसी में तो आप इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, पर फोन में कैसे देखेंगे? तो आपको इस यूआरएल के पीछे view-source:: लगाकर सर्च करना है तो आप उसका सोर्स कोड फोन में भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है accountkiller.com। अगर आपको अपना पर्सनल डेटा डिलीट करना है या आप कोई भी वेबसाइट को अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहते तो आप सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करके अपना पर्सनल डेटा वहां से रिमूव करवा सकते हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करो तो आपको गूगल इतने सारे रिकमेंडेशन देता है कि वो फिल्टर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई भी सर्च को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको वेबसाइट के नाम के पहले site:website name लिखना है, जिससे टन्स ऑफ रिकमेंडेशन को गूगल नेग्लेक्ट करके पर्टिकुलर रिलेटेड सर्च दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड सर्च एरिया जहाँ सिर्फ gym.com के नाम से ही सर्च लिस्टेड है। चलो ऐसा मान लेते हैं कि आपने किसी को ईमेल भेजा और उस ईमेल में कुछ मिस्टेक था या कुछ ऐसी चीज थी जो आपको चेंज करना था और अब वो सेंड हो चुका है पर आप उसको अंडू नहीं कर पाए। तो आपको उस ईमेल को अंडू करने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जनरल सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे अंडू सेंड का जो 5 सेकंड का टाइम है उसको इंक्रीज कर देना है, जिससे आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा जिस पीरियड में आप उस ईमेल को एनालाइज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।